Hello guys, I am back with another video, and in today's video we will be discussing financial management का अपना capital structure वाला portion. पिछले videos में we discussed about financial management का overview, उसका introduction. Then we discussed कि भाई financial planning क्या होती है, और इस video में हमारा discussion जो है वो और technical होने लगेगा, because we will be studying capital structure. Capital structure होता क्या है ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई आपकी company में जो भी आपका capital है ना, जैसे आप अपन balance sheet देखते हैं, this is very practical, something very practical. है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में जो आपका लाइबिलिटी साइड है, इस लाइबिलिटी साइड में जो आपका कैपिटल है ना, अपने इस साइड में क्या लिखते हैं, लाइबिलिटी वाले साइड में अपन कैपिटल लिखते हैं. तो बेसिकली ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब होता है ना, वो ये होता है कि ये लाइबिलिटी का क्या स्ट्रक्चर है, कितने कितने आपके पास में कौन कौन सा लाइबिलिटी है. अब इसमें कुछ आपके शेयर कैपिटल होंगे, फिर होंगे कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, फिर कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगे. तो बेसिकली हम लोग इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के अभी वाले पोर्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो लाइबिलिटीज होती हैं, ये लाइबिलिटीज का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल, तो वी ओनली मीन अबाउट कि लॉन्ग टर्म फंड्स कितने होते हैं, ठीक है ना. तो ये मुझे नहीं बनाना चाहिए था. कैपिटल का जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारे पास में लॉन्ग टर्म सोर्सेज और कैपिटल मिला के कौन कितना है, मतलब डेट कितना है और इक्विटी कितना है. कैपिटल का मतलब देखिए, आप लोगों को अभी तक कैपिटल का मतलब क्या समझ में आएगा कि भाई कैपिटल का मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल. बट देखिए, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है. मेरी कंपनी को जरूरत है लेट्स से 20 लाख रुपए की. माय कंपनी नीड्स 20 लाख रुपीस, ठीक है. आपको 20 लाख रुपए ऐसा है जो आपको कंपनी को चलाने के लिए जरूरत है. तो एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है कि आप 20 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल आप इशू कर दीजिए, एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये भी तो है ना कि 10 लाख का आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10 लाख का आप लोन कर दीजिए. तो ये जो जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, उन पूरे के पूरे फंड का एनालिसिस अपने लोग करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना. चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एक्चुअली में होता क्या है, बट इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी. डेट कितना है, इक्विटी कितना है, यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस. मतलब मुझे अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को फाइनेंस करना है. मेरे बिजनेस में जो भी काम होगा, जो भी ऑपरेशंस होंगे, उनको फाइनेंस करने के लिए, उसको ठीक ठाक से सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे कंपनी में कितना डेप्ट और कितना इक्विटी, इसी का प्रपोर्शन, इसका रेशियो, डेप्ट और इक्विटी का रेशियो, दिस इज वॉट वी कॉल कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी. अब इसको कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो. आप लोग आगे पढ़ेंगे या फिर आप लोग 12th क्लास के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे. एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो, कि हमारा डेट कितना है और हमारी इक्विटी कितनी है. डेट का मतलब ऐसा रुपया जो हमने बाहर वालों से लोन के तौर पे लिया है, बोरो किया है किन्हीं से. और इक्विटी मतलब, इक्विटी मतलब जो हमारे ओनर्स का पैसा है, जो ओनर्स फंड है ना. जैसे मान लो कि कंपनी के ओनर्स कौन, कंपनी के ओनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स का पैसा मतलब डेट कितना है, और शेयर होल्डर्स का पैसा मतलब बोरोड फंड बाई ओन्ड फंड. इसको आप दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं भैया, दूसरे तरह से आप लिख सकते हैं बोरोड फंड डिवाइडेड बाय, आई होप कि दिख रहा है, हाँ, ओन्ड फंड या ओनर्स फंड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. डेट इक्विटी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर को बोरोड फंड बाय ओन्ड फंड या ओनर्स फंड भी लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया. इसके कुछ मैंने फीचर्स भी यहां पर डिस्कस किए हैं. जैसे कि डेट के बारे में मैंने लिखा है, डेट के बारे में मैंने लिखा है कि डेट का कॉस्ट कम होता है, रिस्क ज्यादा होता है. मैंने क्या लिखा है भाई, मैंने लिखा है कि डेट का यूजुअली कॉस्ट कम होता है और रिस्क ज्यादा होता है. क्यों, मैं आपको समझाता हूं. जैसे मान लो कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें, जिसने बहुत डेट लिया हुआ है, उसके कैपिटल में मान लो कि लेट्स से कि एक 50 लाख की कंपनी है, उसके कैपिटल में 50 लाख है, उसने 40 लाख कैसे लिया है, डेट लिया है ना, और 10 लाख का उसने इक्विटी इशू किया हुआ है, ठीक है. तो डेट बहुत है, 40 लाख का डेट है और इक्विटी कितना है, इक्विटी 10 लाख का है. अब मान लो कि डेट जो है वो 10% से लिया हुआ है, क्योंकि मार्केट में आप कहीं पे भी लोन लेने जाओगे तो आपको 10-12% के हिसाब से लोन मिलता है. तो मान लो कि किसी कंपनी ने 40 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है. तो जैसे ही आपने 40 लाख का लोन लिया और 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपने लोन लिया, तो वहीं पे आपको हर साल एटलीस्ट एनुअली आपको 4 लाख रुपए की इनकम ऑफ मिनिमम 4 लाख रुपीज.
4 लाख रुपए की इनकम आपको मिनिमम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मान लो कि अगर आपकी कंपनी 4 लाख से कम कमाती है, आपने 50 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, 40 लाख आपने कहीं से लोन लाया है और 10 लाख आपका अपना कैपिटल है। मान लो कि अगर आपकी कंपनी किसी साल 4 लाख रुपए से कम कमाती है, तो आपकी कंपनी जो है वो लोन का इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ और उस लोन का कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाती है, तो उस केस में कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ जाता है, कंपनी को बंद करना पड़ जाता है ना। एक सोल प्रोवाइडर होता है, उसको मान लो कि उसके पास में लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाते हैं, उसके लाइबिलिटीज बहुत है, एसेट्स कम है, तो अपने लोग क्या बोलते हैं, अपने लोग बोलते हैं कि जो सोल प्रोवाइडर, उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है ना, तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। जब आप पार्टनरशिप में जाते हैं, तो पार्टनरशिप में भी आपने लिक्विडेशन पढ़ा है या डिसोल्यूशन पढ़ा है आपने पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें क्या होता है कि आपके कंपनी के जब एसेट्स बहुत कम हो गए, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की, तो आपको अपना पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना पड़ता है। बट कंपनी के तो और सख्त गाइडलाइंस है। क्यों? क्योंकि कंपनी को मॉनिटर करने वाला कंपनीज एक्ट 2013 है, एक कानून है जिसमें बोला गया है कि अगर आप अपने लोन्स का इंटरेस्ट नहीं देते हैं, अगर आपने जो लोन लिया हुआ है उस लोन का आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, तो आपके बहुत भयानक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। और जो आपकी जो लॉ है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है, ये एक जैसे कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट में हम लोगों के मुकदमे, केस मुकदमा ये सब होता है। बट अब मान लो कंपनी से रिलेटेड कोई केस है, तो वो कहाँ सॉल्व होता है? वो होता है एनसीएलटी में सॉल्व, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सॉल्व। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अगर कोई आदमी रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे यहाँ पे मेरा, मैंने लोन दिया था, मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो एनसीएलटी जो है उस कंपनी को बंद करने का भी डिसीजन ले सकती है, कंपनी को वाइंड अप कर सकती है। तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं ना कि हमारा जो डेट है वो बहुत रिस्की सोर्स हो जाता है। क्यों रिस्की हो जाता है? मान लो कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तब तक तो अच्छा है, मान लो कि मैं सारा इंटरेस्ट पे कर पा रहा हूँ, तब तक बहुत अच्छा है। बट इन केस किसी समय में मान लो कि अगर मेरे पास में प्रॉफिट्स नहीं हुए और मुझे जो है इंटरेस्ट तो मुझे देना है, प्रॉफिट नहीं भी हो बट मुझे इंटरेस्ट देना है, मान लो कि मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट इतना देना है, तो डिफिशियंसी आ जाएगी, मैं नहीं दे पाऊंगा इंटरेस्ट, तो उस केस में मुझे अपनी कंपनी बंद कर जानी पड़ेगी। उस केस में जो लिक्विडेशन हो जाएगी, मेरे सारे एसेट्स बिक जाएंगे और फिर जितने लाइबिलिटीज है सबको पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो इसी के लिए बोलते हैं कि जो डेट होता है ना वो रिस्की होता है। इक्विटी रिस्की क्यों नहीं होता है भाई? इक्विटी में भी रिस्क होना चाहिए, नहीं, इक्विटी रिस्की नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी तो ओनर्स का ही होता है ना। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी में 50 लाख का, 50 लाख का इक्विटी था, 500 लाख की कैपिटल थी। अब मेरे को मान लो प्रॉफिट हुआ, तब तो बहुत अच्छा, तब तो सब लोग खुश, सब लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। बट मान लो कि 2 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तभी भी क्या, कोई कंपल्सन तो नहीं है ना कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ रिटर्न देना है, उनको डिविडेंड देना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है, या प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। दिस इज समथिंग विच यू शुड नो कि चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, उनको डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं होता है। आपको मन है, आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर डिसीजन है, तो वो लोग प्रपोज करते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिविडेंड देते हैं। आप चाहो तो डिविडेंड दो, नहीं चाहो तो डिविडेंड मत दो, आप इतना समझो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को। तो इसी के लिए ये कम रिस्की हुआ ना, इक्विटी कम रिस्की क्यों है? क्योंकि जब मेरे पास पे प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बट जैसे ही आप डेट लेते हो, जैसे ही आप कहीं से लोन ले लेते हो, तो उसको क्या मतलब? उसको तो मतलब है कि भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तुमको प्रॉफिट होता है तो तुम मुझे 10% इंटरेस्ट दो, तुमको लॉस होता है तभी भी तुम मुझे 10% इंटरेस्ट दो, बट मुझे 10% इंटरेस्ट दो। दिस इज व्हाट डेट सेज। और एक चीज आप लोग जब पहली 11th क्लास में ही पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि हायर द रिस्क हायर द गेन, हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड। तो अब देखो यहां पे ये रिस्क ज्यादा है लेकिन कॉस्ट कम है। क्यों डेट का कॉस्ट कम है? क्योंकि कंपनी के लिए डेट का रिस्क ज्यादा है, ठीक है, कंपनी के लिए डेट का रिस्क ज्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड कंपनी के लिए जब आप जैसे मान लो कि मैंने पैसा लगाया, ठीक है, मेरे पास में बहुत पैसा था, मैंने किसी कंपनी को बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम जो है 20 लाख रुपया कर्जा ले लो। तो कंपनी ने बोला ठीक है, हमको रुपए की जरूरत है, आप अपना 20 लाख रुपया मुझे कर्जा दे दीजिए। तो मेरे पास, मैंने तो रिस्क नहीं लिया ना, मान लो मुझे तो फिक्स है कि 10% मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जैसे मैं आपको इसको पिक्चराइजेशन करके समझाता हूँ, ठीक है, ये कौन है? ये है आदमी, ठीक है, और ये कौन है? ये है कंपनी, ठीक है, ये है आदमी और ये है कंपनी। मान लो कि इस आदमी ने इस कंपनी को दिया ₹20 लाख एज लोन एट द रेट 10%, ठीक है, बिल्कुल समझिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके फ्यूचर परस्पेक्टिव से। इस आदमी ने इस कंपनी को लोन दिया 20 लाख रुपए का, 10% पर हिसाब के पर एनम के हिसाब से। अब देखो कि कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को प्रॉफिट ना हो, कंपनी को लॉस हो, इस आदमी को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है। ये आदमी
कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं प्रॉफिट हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जो है 10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। तो इस आदमी ने रिस्क लिया क्या? नहीं, इस आदमी ने रिस्क नहीं लिया, इस आदमी ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। क्यों नहीं रिस्क लिया? क्योंकि इसको तो रिटर्न फिक्स है, कंपनी को प्रॉफिट होता या कंपनी को लॉस होता इसको तो हमेशा 10% ही मिलेगा, मतलब ये बिल्कुल सेफ साइड में, ही इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो जब ये रिस्क नहीं लेगा तो ये रिवॉर्ड कितना चाहेगा, ये उधर से रिटर्न कितना चाहेगा, रिटर्न भी कम चाहेगा। ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि ठीक है यार रिस्क तो नहीं ले रहे ना, पैसा तो अपना सेफ है, पैसा तो अपना सिक्योर है, जाने तो 10% ही देता है तो ठीक है, इस आदमी ने रिस्क नहीं लिया। ऑन द अदर हैंड मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, ऑन द अदर हैंड ये एक दूसरा आदमी है ठीक है, और ये जो है कंपनी है, इस आदमी ने पैसा दिया। हाँ, इस आदमी ने कितना पैसा दिया? इस आदमी ने भी दिया ₹20 लाख एज शेयर्स ठीक है। इस कंपनी ने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने 20 लाख रुपए कंपनी को दिया, बट ये कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, इसने लोन की तरह नहीं लिया, इसने कंपनी के ओनर बन गया और ये अब कंपनी का जो है मालिक बन गया। तो अब इस केस में देखो, इसने 20 लाख रुपया जो कंपनी को दिया, बदले में इसने बहुत रिस्क लिया। कैसे रिस्क लिया? इस आदमी ने रिस्क लिया, कंपनी के लिए कोई रिस्क नहीं है, कंपनी के लिए रिस्क नहीं है क्योंकि कंपनी चाहेगी तो इसको देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, कंपनी के ऊपर कोई रिस्क नहीं। बट इस आदमी ने बहुत रिस्क लिया। क्यों रिस्क लिया? क्योंकि मान लो कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म की, कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तब तो इस आदमी की बल्ले बल्ले, तब तो ये आदमी खूब खुश रहेगा और नाचेगा पार्टी करेगा। बट मान लो कि कंपनी ने खराब परफॉर्म किया, कंपनी के प्रॉफिट नहीं है, कंपनी को लॉस हो गया, तो इन दैट केस ये आदमी का तो सारा रुपया खत्म। अगर मान लो कि कंपनी के कैपिटल, कंपनी को कोई कैपिटल लॉस हो गया, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तब तो ये आदमी का पूरा लॉस है, कंपनी का क्या लॉस है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये आदमी बहुत रिस्क ले रहा है, दिस गाय इज टेकिंग टू मच रिस्क। तो जब ये रिस्क ज्यादा ले रहा है तो ये क्या सोचेगा कि जब मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो मेरे को रिवॉर्ड भी ज्यादा मिले। इसी के लिए क्या बोलते हैं, इसी के लिए बोलते हैं कि जो इक्विटी है उसका कॉस्ट ज्यादा है, मतलब इक्विटी महंगा होता है। क्यों? क्योंकि जिससे आप इक्विटी लेते हो वो चाहता है कि मुझे बहुत रिटर्न मिले। क्यों रिटर्न मिले? क्योंकि वो आदमी बहुत रिस्क ले रहा है, ये आदमी बहुत रिस्क ले रहा है। तो आपको अभी तक चार चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला चीज कि डेट जो है, डेट का कॉस्ट कम होता है। कम कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि जिनसे हम डेट लेते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डेट में पैसा लगाते हैं, वो जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें रिस्क नहीं है। तो जब ये रिस्क नहीं ले रहा है बंदा तो ये रिवॉर्ड भी थोड़ा कम एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो कॉस्ट हो जाता है डेट का वो भी कम हो जाता है। तो आपको एक चीज पता चला कि डेट का कॉस्ट कम होता है, दूसरा चीज पता चला कि डेट में रिस्क बहुत हो जाता है क्योंकि एक फिक्स चार्ज आ जाता है हमारे ऊपर में, मेरे को फिक्स्ड है कि हर महीने देना ही पड़ेगा, हर महीने मुझे देना ही पड़ेगा रुपया। तो ये हो गया डेट की बात। फिर इक्विटी का बात में आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा होता है। क्यों कॉस्ट ज्यादा होता है? क्योंकि जिनसे हम इक्विटी लेते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग रिस्क लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो जब वो लोग रिस्क बड़ा लेते हैं ना, तो वो लोग रिटर्न भी चाहते हैं कि मुझे ज्यादा मिले। तो जब ये चाहता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले तो कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए कॉस्ट इक्विटी का ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड कंपनी के लिए रिस्क बहुत कम होता है। क्यों रिस्क कम होता है? कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो कंपनी नहीं देगा, कंपनी बोलेगा बाबा जी का ठुल्लू, है ना। तो आपको ये चार चीज समझ में आई कि डेट का कॉस्ट कम रिस्क ज्यादा, इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा रिस्क कम, और डेट बाई इक्विटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि मेरी कंपनी में कितना डेट है कितना इक्विटी है। मेरी कंपनी में 10 लाख की इक्विटी है बजट, और उसके कंपेरिजन में 40 लाख का डेट है, तो बहुत ज्यादा है डेट, बहुत ज्यादा इक्विटी बहुत कम है ठीक है। अच्छा, ये बात कभी मत सोचिएगा कि डेट ज्यादा इक्विटी कम है तो अच्छा है, या इक्विटी ज्यादा डेट कम है अच्छा है, वो डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जो कि आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा उसमें समझाने का, गाइड करने का कोशिश करूंगा ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं फाइनेंशियल लीवरेज पे। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे एनसीईआरटी की बुक्स में, बहुत सारे जगह पे अब कैपिटल स्ट्रक्चर को कहीं पे लिखा है डेट बाई इक्विटी और कहीं पे लिखा है डेट बाई डेट प्लस इक्विटी, तो उन सब चीजों को आप इग्नोर कीजिए ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कोर्स में रिविजन नहीं हुआ है, कोर्स में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, मैंने आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, तो उन चीजों को आप इग्नोर कीजिए। आप सीधे सीधे इतना समझिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेट बाई इक्विटी। होने को कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब डेट बाई इक्विटी भी नहीं होता है, बट आपके लेवल पे चूंकि डेट बाई इक्विटी सीबीएसई एनसीईआरटी आईसीएसई और भी जो स्टैंडर्ड पब्लिशर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो लोग मानते हैं, तो ठीक है आप लोग इतना मानिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट बाई इक्विटी, जो कि मैंने आपको एक एक चीज समझा दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अब हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ते हैं ठीक है। अब लीवरेज पढ़ने के पहले मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं साइंस पढ़ाऊँ। ऐसे तो मुझे साइंस आता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको साइंस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जिसमें इस्तेमाल किया गया लीवरेज, लीवरेज में एक शब्द आ रहा है लीवर। अब लीवर आप लोग ने सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा, मे बी फाइव क्लास सिक्स सेवन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लीवर किसको बोलते हैं।
मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, तब आप लोगों को जरूर याद हो जाएगा। और अभी जब मैं समझाऊंगा ना, तो एक एक चीज आपको ऐसे समझ लीजिए कि लगेगा कि ओ माय गॉड, सब छन के मेरे अंदर आ रहा है। ठीक है, एक फोटो मैं बनाता हूँ। आप लोग ने बचपन में जरूर इन फोटो को बनाया होगा या फिर देखा होगा। है ना, ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोग को? इसी को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को लीवर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये इसको बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं फलक्रम। यहाँ पे एक जगह पे कहीं पे लोड होगा, एक जगह पे कहीं पे रिस्पॉन्स होगा, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। बट मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इससे मैं आपको समझाना, मैं आपको याद लीवर की दिलाना चाहता हूँ। लीवर का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल जो आप कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको एक कांटी ठोकनी है, एक कील ठोकनी है दीवार में, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके लिए आप एक हथौड़ा यूज करते हैं ना, एक ऐसा हथौड़ा होता है जिसमें आगे में ऐसे ऐसे निकला रहता है और उसके आप ऐसे ऐसे ठोकते हैं दीवार में, कांटी ठोकते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक लीवर है। ये आपने देखा, ये भी क्या है, ये भी एक लीवर है। लीवर कहाँ है, यहाँ बीच में हमारा फलक्रम होता है, इस साइड और इस साइड लोड होता है, और सी सो सी सो, मतलब बच्चे उस पर झूला झूलते हैं, है ना, इसको शायद सी सो ही बोलते हैं, मुझे जहां तक याद है, तो बच्चे उस पर झूला झूलते हैं। या फिर आपने बहुत दफा देखा होगा, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। या फिर मान लो कि एक इतने बड़े, ये सपोज कर लो कि एक ब्रिक है या एक मतलब स्टोन है, ठीक है ना, एक पत्थर है। इस पत्थर को मान लो कि आपको धकेलना है, यू हैव टू मूव दिस पत्थर। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग इसको डंडे से धकेलते हैं, इतनी बड़ी सी डंडे, यहाँ पे कोई ईंटा लगाया और इस डंडे से धकेलते हैं। आप कभी देखना, मान लो कि कोई चीज हिलती नहीं है, मान लो कि कभी घर में अलमारी मूव करना है या फिर कोई पत्थर को मूव करना है, तो हम बीच में क्या है, हम बीच में एक फलक्रम लगा देते हैं और ये हम एक रॉड टाइप का कुछ मूव करते हैं, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम फोर्स देते हैं, यहाँ पे हम फोर्स देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बल देते हैं, और यहाँ पे बल देने से क्या है कि ये मूव होती है। क्यों, यहाँ पे जितना भी फोर्स देते हैं ना, वो अल्टीमेटली यहाँ पे रिजल्ट करती है, यहाँ पे सारा का सारा फोर्स जो है इफेक्ट देता है, और ये जो पत्थर है, ये जो ईटा है, ये मूव हो जाता है, चीजें मूव हो जाती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का समझिए, ये जो पूरा चीज है ना, इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, और इसी लीवर से कनेक्टेड हमारा फाइनेंस का टॉपिक है, फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज मतलब, लीवरेज मतलब लीवर से फायदा उठाना, लीवरेज मतलब लीवर से फायदा उठाना। ये क्या है, ये लीवर है, हमने ये जो मशीन लगाई है ना, ये जो मशीन, ये लीवर मशीन है। हो क्या रहा है, यहाँ पे इतना जो भी फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे ना, जो भी फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, अरे हिल हिल हिल, जो भी फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, वो अल्टीमेटली यहाँ पे रिजल्ट कर रहा है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट कर रहा है, और उससे जो हमारा पत्थर है वो मूव कर जाएगा। ये क्या है, ये लीवर है, और इस लीवर के कंसेप्ट को हमको फाइनेंस में पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी कॉल लीवरेज। लीवरेज का मतलब लीवर से फायदा उठाना, इज लीवरेज। अच्छा, अब हमारा लीवर कौन है, हमारा लीवर है फाइनेंस, हमारा लीवर है फाइनेंशियल चीजें। मतलब क्या, अब देखो, अब मैं आपको इसको कनेक्ट करता हूं, ठीक है। जैसे होता क्या है, अभी हमने पिछले पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन में हमने पढ़ा कि डेट जो है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेट, डेट इज चीप, ठीक है, हमने पढ़ा डेट जो है वो सस्ता होता है, और हमने पढ़ा इक्विटी इज एक्सपेंसिव, इक्विटी जो है वो महंगा होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डेट सस्ता होता है, इक्विटी महंगी होती है। उसी तरह मान लो कि आपको कंपनी में, ये जो है ना, ये आपका कंपनी है, आपको कंपनी चलाना है, तो आप क्या चाहोगे कि मेरी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा डेट हो या ज्यादा से ज्यादा इक्विटी हो? एक सिंपल सा बात, जैसे मान लो कि आपको कहीं से रुपया लेना है, एक आदमी रुपया जो है वो दे रहा है 10% के हिसाब से, और एक आदमी रुपया दे रहा है वो दे रहा है 15% के हिसाब से, तो आप बताओ कि आप 10% वाले से प्रेफर करोगे कि 15% वाले से प्रेफर करोगे? इन जनरल, और सब चीजों को भी हटा दें, डेट है कि इक्विटी है, वो सब चीजों को हटा दें, तो एक 10% पे दे रहा है, 15% पे दे रहा है, तो आप ऑब्वियस बात है कि आप 10% के हिसाब से जाओगे। क्यों, क्योंकि ये सस्ता है, दिस इज चीप। तो देखो, वैसे ही हमारे फाइनेंस में, हमारे बिजनेस में डेट जो है वो सस्ता होता है और इक्विटी महंगी होती है। तो हमेशा जो कंपनी है वो चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा डेट हो। क्यों, डेट होने से, डेट का जो सस्ता एलिमेंट है ना, जैसे मान लो कि ये आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि हम डेट को सस्ता में लेंगे और इससे हम इक्विटी जितना फायदा उठाएंगे। मैं आपको एक अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है। दो तीन सिनेरियोज बनाते हैं, दो तीन केस बनाते हैं, और फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर को भी मैं रब करता हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम यहाँ पे एक दो तीन केस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो कि एक केस है, केस ए, इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में कंपनी
कैपिटल, कैपिटल जो है हमारे पास में वो है 50 लाख, ठीक है। कंपनी की कैपिटल कितनी है? 50 लाख। इसमें डेट कितना है? जीरो। इक्विटी कितनी है? इक्विटी कितनी है? ₹50 लाख ऑब्वियसली। अब डेट जीरो है तो इक्विटी तो 50 लाख होगी होगी, है ना। अच्छा, अब हम लोग यहां पे दूसरा केस लिखते हैं, केस बी, ठीक है। केस बी में यहां पे भी कैपिटल कितना होगा? कैपिटल होगा यहां पे भी भाई 50 लाख। हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई कैपिटल जो है वो हर जगह सेम है, ठीक है। और डेट यहां पे, डेट कितना हो जाएगा? वी आर अज्यूमिंग कि हमारे यहां पे डेट जो है वो है 25 लाख, ठीक है। और इक्विटी कितनी है? इक्विटी जो है वो भी है 25 लाख। तो हो गया ना 50 लाख, कैपिटल 50, डेट 25 और इक्विटी 25, तो हो गया ना 50। और एक तीसरा केस हम लोग बनाते हैं, केस सी। इसमें भी हमारा कैपिटल कितना है? कैपिटल यहां पे भी हमारा 50 लाख है, ठीक है। फिर हमारा डेट कितना है? डेट यहां पे हमारा 40 लाख है। और इक्विटी कितनी है? इक्विटी जो है वो हमारा यहाँ पे 10 लाख है। तो हो गया ना कैपिटल 50, डेट 40 और इक्विटी 10, तो 50 हो गया। अच्छा, अब कुछ चीजें जो है हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो टैक्स है, टैक्स वो है एट द रेट 30%, ठीक है। हमने एक चीज माना कि टैक्स जो है वो 30% का है। अच्छा, डेट जो है, डेट उसको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो है एट द रेट लेट्स से 10%। डेट हमारा कितना है? 10% के कॉस्ट का डेट है। और एक चीज और हम मानते हैं, एक चीज हम क्या मानते हैं कि हमारे कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, हमारे कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया? वो लेट से मानते हैं कि 5 लाख कमाया। प्रॉफिट हमारी कंपनी ने जो कमाया वो लेट से 5 लाख कमाया। अब देखिए, अब हम लोग तीनों का सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सिनेरियो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अब देखो, इस केस में भी, अब देखो एक बात मैं आपको पहले समझाता हूं, यहां पे भी अल्टीमेटली 50 लाख हमारा प्रॉफिट है, यहां पे भी हमारा प्रॉफिट 50 लाख है, और यहां पे भी हमारा प्रॉफिट जो है वो 50 लाख है। आई एम सॉरी, यहां पे भी हमारा कैपिटल 50 लाख है, यहां पे भी हमारा कैपिटल 50 लाख है, यहां पे भी हमारा कैपिटल 50 लाख है। तो जब आपके कैपिटल 50 लाख है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट भी तो उतना ही होगा। अब डेट से आए प्रॉफिट या इक्विटी से आए उससे मतलब नहीं है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। तो आपने इन्वेस्टमेंट अगर 50 लाख किया है तो वो इन्वेस्टमेंट आपने डेट से लिया है कि इक्विटी से लिया है, व्हाट डज इट मीन? आपने 50 लाख रुपया बिजनेस में लगाया है और आपको बिजनेस में लेट से 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो जो 6 लाख रुपया का प्रॉफिट हो रहा है वो तो 6 ही लाख ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने डेट 40 इक्विटी 10 है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, दैट इज नॉट अ फैक्टर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे कहने का मतलब है कि आपने अगर 50 लाख रुपया लगाया है तो आपको 50 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने 60 लाख लगाए तो आपको 60 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने 70 लाख लगाए तो 70 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। कहीं पे भी प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? मान लो कि मैं तुमसे मांग करके 50 लाख इन्वेस्ट करूं, तुमसे मांग करके इन्वेस्ट करूं, या किसी बैंक से मांग करके इन्वेस्ट करूं, या मैं अपना रुपया इन्वेस्ट करूं, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि मार्केट में क्या कंडीशन थे, हमारी सेल्स कैसे गई, उनसे प्रॉफिट चेंज होगा ना। तो हमने क्या माना? हमने माना कि भाई 50-50 लाख हमारा कैपिटल था और प्रॉफिट जो है वो 6 लाख लास्ट में हुआ। तो अब तीनों ही के तीनों केस में हमारा जो अर्निंग हुई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कितना होगा? ये होगा 6 लाख। यहां पे भी हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? 6 लाख। यहां पे भी हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? 6 लाख, ठीक है। ठीक है जी, 6 लाख 6 लाख 6 लाख होगा। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताओ कि अब देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ये कौन सी अर्निंग है, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये वैसा प्रॉफिट है जिसमें से ना इंटरेस्ट घटा है और ना टैक्स घटा है। क्या लिखा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मतलब ना इंटरेस्ट अभी घटा है और ना टैक्स घटा है। तो अब आप मुझे बताइए कि पहले इंटरेस्ट घटा है कि पहले टैक्स घटा है? पहले इंटरेस्ट घटता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा रूल लिखा है, कंपनीज एक्ट में ऐसा रूल लिखा है कि आपको, और इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा है कि आपको जो टैक्स लगता है किसी भी बिजनेस को, जो टैक्स लगता है ना वो उसके खर्चों को काटने के बाद लगता है। जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे हटा दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगता है। तो ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसमें से एक खर्चा भी हमने नहीं हटाया। कौन सा खर्चा नहीं हटाया है? उस खर्चे का नाम है डेट के ऊपर का इंटरेस्ट। आपने भी पता है, आपने भी पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट होता है, जो हमने डिबेंचर को, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट लिया है, जो हमने लोन, लोन पे मुझे इंटरेस्ट जो देना है, वो सारे के सारे इंटरेस्ट हमारा खर्चा है। तो अभी ईबीआईटी में से जब आप खर्चा घटा दोगे, सारे खर्चे घटा दोगे, तब तो जो आएगा वो आपको ओरिजिनल प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे हमको सब जगह क्या है, इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा, है ना।
इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। तो चलो हमने यहाँ क्या किया, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटाया। अब यहां पे देखो डेट जीरो है तो डेट का इंटरेस्ट भी कितना होगा, जीरो। यहां पे भी चलो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट घटा रहे हैं, इंटरेस्ट घटा रहे हैं। अब देखो यहां पे डेट कितना है, 25 लाख। डेट कितना है, 25 लाख। अच्छा, और 25 लाख पे मुझे कितना देना है, 10% का इंटरेस्ट देना है। तो मुझे यहां पे 2.5 लाख, 2.5 लाख जो है मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं ये दे दूंगा तब जो है मेरा आएगा 3.5 लाख रुपीज। अच्छा, ये क्या आएगा, अब देखो यहां पे था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 6 लाख, उसमें से हमने इंटरेस्ट दे दिया क्योंकि वो 0 रुपया था, तो अब हमारे पास में ये भी कितना आ जाएगा, 6 लाख, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख, हमने डेट लिया हुआ है 40 लाख, और हमको डेट पे इंटरेस्ट देना है 10% का। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कितना देंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट कितना देंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे, हम यहाँ पे देंगे 4 लाख, है ना। क्यों 4 लाख, 40 लाख का 10%, इसको आप मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, 40 लाख × 10%, है ना। यहाँ पे हमने कैसे लाया, यहाँ पे हमने लाया 25 लाख × 10%, ये आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे जो हमारा ई बी टी अर्निंग बिफोर टैक्स आया, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 लाख, है ना, ये आएगा 2 लाख। अच्छा, अब देखो यहां पे हमारा ईबीटी 6 लाख, यहां पे हमारा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि हमने इंटरेस्ट दे दिया तो अब अर्निंग बिफोर टैक्स है 3.5 लाख, और ये अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख। ये सब चीजें हमने समझा। अब आपको क्या लग रहा है, अर्निंग बिफोर टैक्स मैंने सारे खर्चे दे दिए, जितने पहले के खर्चे थे वो तो खत्म, उसके अलावा एक इंटरेस्ट बचा था, इंटरेस्ट भी मैंने दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टैक्स की पेमेंट करेंगे। टैक्स कितना है भाई, टैक्स हमारा 30% है, ठीक है। टैक्स हमारा कितना है, 30% टैक्स है। तो चलो अब टैक्स देना शुरू करते हैं, टैक्स देना शुरू करते हैं। तो अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, टैक्स घटाएंगे जी, टैक्स घटाएंगे। तो टैक्स मुझे कितना देना है, टैक्स देना है मुझे 30%, मतलब 6 लाख का 30% इज 1.8 लाख, है ना। ये कितना हो गया, 1.8 लाख। 3.5 लाख का 30%, 3.5 लाख का 30% इज 3 × 9 = 15, मतलब 1.05 लाख। ये क्या हो गया जी, ये हो गया टैक्स, टैक्स घटा रहे हैं हम यहां पे, है ना, टैक्स घटा रहे हैं। अच्छा, यहां पे हमारा ईबीटी है 2 लाख, इसमें से हमको क्या घटाना है, टैक्स घटाना है। तो टैक्स हम कितना घटा रहे हैं, 30%, मतलब 2 लाख का 30% मतलब 0.6 लाख, है ना, 0.6 लाख ये हम घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या था, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के पहले की अर्निंग, इसमें से आपने टैक्स घटा दिया सबसे पहले हमने। अच्छा, फिर मैं समझाता हूं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हमने इंटरेस्ट घटाया, इंटरेस्ट घटाया, फिर जो आया वो आया अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि आपको इंटरेस्ट घटाना था, आपने इंटरेस्ट घटा दिया तो आया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा देंगे ना, तो इसके बाद जो आएगा उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, पहले था वो बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स में से आपने टैक्स घटा दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 6 लाख में से 1.8 लाख चला गया, तो कितना आया, ये आया 4.2 लाख, ठीक है। अच्छा, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा दिया, 3.5 लाख में से 1.05 लाख घटा दिया, तो कितना आया, ये आया 2.45 लाख, है ना, शायद 2.45 लाख। अच्छा, यहां पे हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स घटा दिया 2 लाख में से 0.6 लाख, मतलब 60 हजार, तो ये आया 1.4 लाख, है ना, 1,40,000। तो ये जो आया, ये हमारा आया अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये क्या आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, अभी तक कोई दिक्कत है तो आप लोग फिर से चीजों को समझिए, देखिए अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमने हमने यहां पे 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की इक्विटी ली हुई है, यहां पे हमने 25 लाख की इक्विटी ली है, और यहां पे हमने 10 लाख की इक्विटी ली है। यहां तक सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन में पहले ही लिखा था, ठीक है ना। अब देखो कि आपने 4,20,000 रुपए कमाए, यू अर्न 4.2 लाख रुपीज, एंड दैट इज फॉर 50 लाख के शेयर्स।
मान लो कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे ईच शेयर जो है वो 10 रुपीज के हैं, ठीक है। ईच शेयर कितने के हैं? 10 रुपीज के हैं, कितने के भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ईच शेयर एट द रेट 10, ठीक है ना। ये 10 रुपीज का ईच शेयर है। तो यहां पर EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब सब चीज हमने खत्म कर दिया, हमारे हमने इंटरेस्ट देना बाकी था इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद टैक्स देना बाकी था टैक्स भी दे दिया, तो अब जो प्रॉफिट आया वो किसको बटेगा आप ही बताओ। मतलब जिस लोन वाले को लेना था लोन वाला भी ले गया, गवर्नमेंट को लेना था गवर्नमेंट भी ले गई, अब कौन लेगा? अब जितना भी बचा वो सब शेयर होल्डर्स लेंगे, सब जो है शेयर होल्डर्स लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट मालिक अल्टीमेट ओनर तो कौन है, शेयर होल्डर्स ही है। तो अब देखो यहां पे 4,20,000 रुपए लेगा 50 लाख के इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा अब इसमें देखो इक्विटी शेयर्स 50 लाख के हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक शेयर 10 रुपए का है, 50 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स हैं, तो 5 लाख शेयर्स होंगे, एक शेयर 10 रुपए का है, 50 लाख रुपए के शेयर हैं, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 5 लाख। तो अगर 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 अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो कि हमारे केस में यहां पे कितना है 5 लाख, तब जो हमारा आंसर आएगा, तब जो हमारा आंसर आएगा वो किस चीज का आंसर आएगा, वो हमको बताएगा कि आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी हुई, ठीक है। ये वाला जो चीज है ना इसको मैं फिर से समझाऊंगा, अभी आप पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने कितना कमाया, हमने कमाया 4.2 लाख, मतलब 4,20,000, कितने शेयर्स पे, 5 लाख शेयर्स पे, तो हमने एक शेयर पे 84 पैसे कमाए, 0.84। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज अर्निंग पर शेयर, एंड दैट इज 0.85 रुपीज पर शेयर, ये हमने हर शेयर में कमाए। अब यहां पे देख लो, यहां पे आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है 2.45 लाख, अगर इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा इक्विटी शेयर है यहाँ 25 लाख का, तो इक्विटी शेयर्स कितने होंगे या इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने होंगे, ये होंगे 2.5 लाख, है ना। तो हम यहां पे डिवाइड किससे करेंगे, यहां पे हम करेंगे 2.5 लाख से डिवाइड, है ना। तो जब हम 2.45 लाख को, 2.45 लाख को जब हम 2.5 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2.5 लाख से, तो ये आता है 0.98, ये आता है 0.98 पर शेयर, मतलब हर हर शेयर पे आपने 0.98 रुपया कमाया, यहां पे अपने हर शेयर में 0.84 रुपया, मतलब 84 पैसे कमाए। अब यहां देखते हैं यहां पे क्या था, यहां पे हमारा डेट सबसे ज्यादा था, इक्विटी सबसे कम थी, हमने कमाया कितना, हमने कमाया 1,40,000। अगर इसको नंबर ऑफ शेयर्स से अगर डिवाइड करें तो ये है 1 लाख शेयर्स, और ये कितना आएगा 1.4 लाख, और 1 लाख ये आएगा 1 रुपीज 1.4 पर शेयर। अब एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, है ना, एक चीज आप लोग क्या ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश करता हूं। यहां पे क्या था हमारा इक्विटी, ये था मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम है ना इक्विटी, इक्विटी क्या है, मैक्सिमम। अच्छा अर्निंग पर शेयर देख लो आप, अर्निंग पर शेयर जो आया है ये आया है मिनिमम, अर्निंग पर शेयर कितना आया है, मिनिमम दिख रहा है आपको, यहां पे आपने सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर यूज किए थे, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर मतलब हर शेयर पे होने वाली कमाई जो हुई है वो सबसे कम हुई है, सबसे कम अपने हर शेयर पे कमाए हैं, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने हर शेयर पे मात्र 84 पैसे कमाए हैं। यहां पे देखो आप, अब इसको आप देखो यहां पे क्या है, इक्विटी है 10 लाख, देखो एक जगह था 50 लाख, एक जगह था 25 लाख, यहां है 10 लाख, मतलब ये क्या है, ये मिनिमम सबसे कम इक्विटी शेयर है यहां पे, और डेट क्या है, डेट है मैक्सिमम, डेट क्या है, डेट है मैक्सिमम, यहां पे हमारा डेट मैक्सिमम है, इक्विटी मिनिमम है, और यहां पे हमने नंबर ऑफ शेयर से जब हम डिवाइड किए तो हमारा 1.4 आया, मतलब अर्निंग पर शेयर हमारा है 1.4, और ये जो है 1.4 ये क्या है, ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर है, क्योंकि यहां पे है 0.84 पर शेयर, यहां पे हमने कमाया है 0.98 पर शेयर, और यहां पे हमने कमाया है 1 रुपया 40 पैसा पर शेयर, हर शेयर पे हमने 1 रुपया 40 पैसा कमाया है। क्यों कमाया है भाई, देखो यहां पे हमने डेट सबसे ज्यादा यूज किया, डेट सबसे ज्यादा यूज किया और इक्विटी सबसे कम यूज की। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि डेट जो है वो क्या होता है, डेट हमेशा सस्ता होता है, इक्विटी महंगी होती है, डेट सस्ता होता है, इक्विटी महंगी होती है, तो यहां पे हमने सस्ता सोर्स ऑफ फंड सबसे ज्यादा यूज किया है, सस्ता सोर्स को हमने सबसे ज्यादा यूज किया है, वी हैड यूज द मोस्ट सस्ता सोर्स को हमने यहां पे यूज किया है ना। अच्छा जब यहां पे हमने सस्ता सोर्स यूज किया है तो उसके वजह से हुआ क्या कि हमारी ईपीएस जो है वो बढ़ गई,
क्योंकि मान लो कि हमको 40 लाख का जो कैपिटल था वो तो मुझे सस्ते में मिल गया, 40 लाख का कैपिटल तो मुझे सस्ते में मिल गया, तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, है ना। मान लो अगर मैं यहाँ पे मान लो डेट के बदले मैं इक्विटी यूज करता तो इक्विटी भी तो महंगा होता ना, इक्विटी महंगा होता, इक्विटी वाले का डिमांड ज्यादा होता, तो इक्विटी में जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा होता वो मुझे बच गया, और वो अल्टीमेटली किसको मिल गया, वो 10 लाख जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको मिल गया। इतना कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आप इन सबको धीरे धीरे करिए, इस पे क्वेश्चन अपन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आप भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको सब चीज समझ में आएगा। ये मैंने क्या समझाया आपको समझ में आना चाहिए। अल्टीमेटली इसका क्रक्स इतना ही है कि यहाँ पर हमने डेट सबसे कम लिया था, इक्विटी सबसे ज्यादा लिया था, तो हमारा अर्निंग पर शेयर सबसे कम आया। क्यों? क्योंकि जहां डेट सबसे कम वहां अर्निंग पर शेयर मतलब हर शेयर पे होने वाली कमाई सबसे कम। जहां पे डेट जितना ज्यादा, यहाँ पे डेट कितना है, बहुत ज्यादा है, 40 लाख का डेट है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी 1.4 है, मतलब सबसे ज्यादा है, जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा अर्निंग पर शेयर। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब देखो, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि आपके कैपिटल में डेट कितना है, आपके कैपिटल में। फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल अबाउट हैविंग डेट, तो डेट से आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, लिवरेज इज ऑल अबाउट गेनिंग बेनिफिट। तो अब देखो यहां पे हम जितना ज्यादा डेट यूज कर रहे हैं ना, हमको उतना ज्यादा बेनिफिट हो जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब कि हम अपने कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा डेट रख के जो फायदा उठाते हैं, जो बेनिफिट भी डिराइव करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन योर कैपिटल। आपकी कंपनी के कैपिटल में डेट से होने वाला फायदा फाइनेंशियल लिवरेज है, और वही चीज मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, मैंने आपको दिखाया है कि आपके यहाँ पे डेट सबसे ज्यादा था तो आपको सबसे ज्यादा लिवरेज मिला, आपके अर्निंग पर शेयर जो है मैक्सिमम हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा डिस्कशन में आपसे ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी इन सबको एक बार फिर से मैं रिकैप कराऊंगा अच्छे से, पूरे एकदम साफ सुथरे बोर्ड पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर जो है कुछ हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे इसके ऊपर में, और फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। दिस वीडियो इज ऑलरेडी 30-35 मिनट्स, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया, इसके बावजूद हो सकता है कि नहीं समझ में आया, बिकॉज जो मैंने आपको पढ़ाया ना, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया वो मैंने बहुत एडवांस लेवल पे जाके आपको समझाने की कोशिश की। दिस इज नॉट समथिंग कि आपके 12th के कोर्स में इतना चीज समझना है आपको, आपके स्कूल्स में भी टीचर्स इसको जो है याद करवा देंगे, या फिर आपको बोल देंगे कि ऐसे ऐसे याद कर लो, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ये वो, और आप याद करके इजिली यू कैन मग अप एंड वॉमिट इन एग्जाम्स, बट दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ दिस चैनल। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज को समझे, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप एक बार फिर से वीडियो को प्लेबैक कीजिए, थोड़े कम स्पीड में आप चीजों को देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज समझ में आएगी। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि आपको एक्जैक्टली कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी, आई एम क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल कंटेंट फॉर यू, सो आई ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन बींग अ ह्यूमन बींग। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए इफ यू कैन थिंक इट यू कैन अचीव इट। Bye-bye. Love from my side.